focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. Salman bhai, photo. Thank you so much, Delhi. And yes, finally we are here, Da-Bangg Tour. ये टूर अभी तक सबको बहुत बहुत मजा आया है एंड यस द एंटायर टीम इज हियर एंड स्पेशली अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्साइटेड कि यहाँ पे फाइनली वो इंसान आ गया जिसका सबको इंतजार था द हैंडसम द डैशिंग द वन एंड ओनली मनीष पॉल और उसके बाद वो इंसान जिसका एब्सोल्युटली यार सबको इंसान था इंतजार था द वन एंड ओनली द हैंडसम talent whatever to be governed nahi kiya lekin ladies and gentlemen big hand for salman khan ladies and gentlemen because hum log kuch bhi kar le kitni bhi stage pe performance kar le lekin taaliyan kab bajti hai wo hame is tour mein pata chal gaya ki kaun stage pe aata hai to taaliyan bajti hai the one and only salman khan lekin yaar ek kaam karte hain main khud delhi wala hu to delhi aake bada acha lag raha hai main malwa nagar mein pala bada hu और आज मुझे पहली बार एक्चुअली मौका मिला सर मालवेलगढ़ का जेम्स बॉन्ड तो फाइनली मौका मिला यार मैं पहली बार सर मैं खुद दिल्ली का होकर पहली बार नेहरू स्टेडियम में परफॉर्म करूंगा आज तक वहां से बाहर से गुब्बारे खरीदे हैं लेकिन पहली बार मुझे परफॉर्म करने को मिल रहा है एंड यस कृति जो है वो भी दिल्ली की है उसके लिए भी जोरदार तालियां हो और कृति भी पहली बार परफॉर्म करे अब तो दबाई में भी पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं दिल्ली में तो करी नहीं लेकिन एक बार सबसे जरा पता कर लेते हैं सबको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है सबसे पहले ऐसे लाइन से स्टार्ट करते हैं प्रभु सर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स एक्चुअली ये बहुत फ्यू वर्ड्स बोलते हैं सर प्लीज गुड इवनिंग आई फील वेरी हैप्पी टू बी हियर टुमारो बाकी चीज के पास कोई भी सवाल हो वी डोंट केयर ये इतना ही बोलेंगे डेजी शाह लेडीज एंड जेंटलमैन डेजी शाह के लिए जोरदार डेजी दिल्ली में आई हैं परफॉर्म करना है कैसा लग रहा है हाउ एक्साइटेड आर यू गुड इवनिंग एवरीवन एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम हमारे होम कंट्री में परफॉर्म कर रहे हैं दैट टू दिल्ली सो या वी सुपर एक्साइटेड और दिल्ली में साड़ी की फॉल की बहुत दुकानें हैं वो सारे बहुत खुश हैं फाइनली उनकी साड़ी की फॉल फेमस और होने वाली है सोनाक्षी सिन्हा लेडीज एंड जेंटलमैन इन द हाउस एक बार जोरदार तालियां फॉर सोनाक्षी सिन्हा सोनाक्षी हाउ एक्साइटेड आर यू टू परफॉर्म आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि एक तो पहली बार इंडिया में ये शो हो रहा है दबंग द टूर और शुरुआत कैपिटल के साथ हो रही है आप सबके साथ हो रही है दिल्ली दिल वालों की दिल्ली के साथ हो रही है सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप कि जितना मज़ा हमें लंदन में ऑकलैंड में हांगकॉन्ग में आया है उससे दुगना मज़ा यहाँ पर आएगा आपको सुन के भाई साहब इतने एक्साइटेड हो दाढ़ी के बाल खड़े हो गए देखा माइक की ये एक्चुअली क्या दिल्ली की ठंड है यहाँ पे स्कूटर भी बंद होते हैं केड़ा करो चले गए चल गया अरे सही है वेरी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आई थिंक मैंने बहुत स्टेज परफॉर्मेंसेस की हैं लेकिन कभी अपनी दिल्ली में नहीं की है सो आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो दिस टूर हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड ग्लैड टू बी अबाउट क्या बात है और ये दो भाई जनरली ये चीते की जैकेट पहन के आते हैं लेकिन आज इन्होंने नहीं डाली है ये दोनों जुड़वा भाई लगते हैं है नहीं पर हैं भाई और इनको कोई मिले ना अपने नाम पहले ही मीट कर लिया मीट अस मीट रोज हाउ एक्साइटेड आर यू प्लीज टेल अस वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज़ हमारी खुशी के दो बहुत बड़े रीजन है पहला तो ये कि हमारी फेवरेट जगह है आफ्टर परफॉर्मिंग एवरीवेयर हमें दिल्ली का सबसे ज्यादा शोज हम नहीं करते हैं तो यहाँ का क्राउड यहाँ का खाना वर्ल्ड का बेस्ट है और दूसरा ये कि हम जब नए नए आए थे इंडस्ट्री में तो हमारा पहला गाना आया था उसके बाद पहला टूर हमने भाई के साथ किया था यूएस और उसके बाद तो आज फिर से मौका हमें मिला आफ्टर 15 ईयर्स तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सभी बड़ी यहाँ पर एंड आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस कि ये इनिशिएटिव जो सोहेल भाई आदिल एंड जॉडी ने किया है दिस इज़ क्रिएटिंग हिस्ट्री बिकॉज दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में इतना बड़ा शो हमने आज तक ना सुना ना देखा तो इतिहास रचने जा रहा है तो वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिग कॉन्सर्ट थैंक यू सो मच हमारे सब लकीली टूर के जितने भी स्टार्स हैं उन सबके साथ हमारे गाने आए हुए हैं वी बॉज गुड सॉन्ग्स एवरीबॉडी सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी सोनाक्षी डेब्यू सॉन्ग एज अ सिंगर
क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन अभिषेक सर आप कैसे, ठीक हैं सर? सबसे ज़्यादा खुश हैं ये, सबसे ज़्यादा खुश है ये, फूले नहीं समा रहे खुशी सर, ऐसे ही रहे। अब बात करते हैं सोहेल सर से। यस सर, एक बार जोरदार तालियां सोहेल सर के लिए। सर आप ही का शो है, आपके कारण हम सब यहाँ पे आए हैं। सच अ ग्रेट शो, व्हाट यू हैव टू से प्लीज? We've been doing these shows away from our country, so I'm just really happy that we are performing in our country. Da-Bangg jo show hai, wo basically is a Bollywood show, and no better place than performing in Delhi. And ye bhai sahab ne itni baar bola hai, pehli baar. You know, we should bring more shows, and that can only happen. It's with the press, what the press carries goes to the public, so just write all what you can in tomorrow's newspaper, on the web, so that we get a lot of people tomorrow and the show becomes successful. And the whole team has worked very hard on this show. So we want the hard work to reach as many as people as possible. क्या बात है सर, आपको पता नहीं उन्होंने नेहरू स्टेडियम की दीवारें और बड़ी करवा दी हैं, लोग ज्यादा आ गए हैं। अब बात करते हैं द वन एंड ओनली सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां फॉर सलमान खान। मैं यहाँ पर पहले परफॉर्म कर चुका हूँ और मैंने सिर्फ आधा ही गाना किया, इस जस्ट आफ्टर मैंने प्यार किया, क्योंकि आधा गाना मैं भूल गया था। दीवा माया से आया, वैसे वजन कुछ इतना था नहीं, लेकिन ऐसे एम्बेरसिंग मोमेंट्स में मेक यू श्रिंक, तो एकदम फेस ऐसा छोटा सा हो गया, लेकिन थैंक गॉड कि किसी ने नोटिस नहीं किया। तो वो जो करता हूँ ना कभी कभी मैं, कि जब स्टेप भूल जाता हूँ, वो शायद आपको पता नहीं लगे, लेकिन हम सबको जो कि परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर, तो मैंने प्यार किया का एक गाना था और मैंने आधा कर लिया, और फिर नीचे से इतनी ज़ोर से आवाज़ें आनी शुरू हुई, यू नो क्राउड से म्यूज़िक सुनाई नहीं दिया, और आगे के स्टेप्स में भूल गया, तो फिर मैं इस तरह चल के गया, हाथ हिलाया, इस तरह चल के गया, हाथ हिलाया, सामने हाथ हिलाया, चार पप्पी मारी मैंने और मेरा गाना खत्म हो गया, एंड आई लेफ्ट फ्रॉम दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म। अब ये सबके सब फंसेंगे, सबके सब ये फंसेंगे कि दिल्ली की इतनी तारीफ कर ली इन्होंने कि बेस्ट प्लेस, राजधानी, कैपिटल, फर्स्ट टाइम परफॉर्मिंग, नो बेटर प्लेस इन दिल्ली टू परफॉर्म इन। अब इनके शो होंगे नासिक में, नागपुर में, कैलकटा में, अब ये सेम चीज़ वहाँ पर भी बोलने गई है, और ये कोई प्रेस उठाता नहीं है ये सब, ये तो चीज़ें उठाने की। देखो ये जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे ये स्टार्स, ये बोलेंगे कि दिस इज द बेस्ट प्लेस टू परफॉर्म, होता है क्या सर? इस तो ये वो ही बात कि मम्मी डैडी के सामने अगर पूछा गया कि हु इज योर फेवरेट, तो बेटा कभी नहीं बोलता कि माँ या डैड, बोथ, लेकिन इंडिविजुअली पूछो तो बोलेंगे कि मम्मी डैडी। सर मैं तो सेफ खेलता था, मैं पड़ोसियों का नाम ले देता था सर, नहीं बस वहीं छोड़ देते हैं सर, सर वैसे आप बताएं सर, दिल्ली में बहुत सारी जो खूबसूरत लड़कियां हैं बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज आपको पता है एक सरप्राइज, पूरी दुनिया में खूबसूरत लड़कियां हैं सर, ये दिल्ली वाली वैसे जो है, हर एक लड़की ऊपर वाले की क्रिएशन है और निहायत ही खूबसूरत है सर। ये तो है सर, मुझे तो विनम्र जी भी बड़े खूबसूरत लगे सर, इनकी मूछें ना हो देखिए कितने और प्यारे लगे हैं। अच्छा सर ये देखिए, बहुत लोगों को मैं बता देता हूँ, प्रेस कॉन, सॉरी सर मैं आपको बिना परमिशन लिए बोल रहा हूँ, राज खोल रहा हूँ, कल यहाँ पे दिल्ली में बहुत से लोगों को मौका मिलेगा सलमान खान के साथ स्टेज पे होने का, और वो लड़कियाँ और लड़के दोनों हो सकते हैं सर। जो लड़कियाँ बहुत उचक उचक के आपको गले लगती हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आप? इतना मत उचको बस सर, विनम जी कह रहे हैं एक तो मेरे पे भी उचको चलिए, बट थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत अच्छा लगा। बाकी मेरी एंकरिंग जो है वो कल देखिएगा, क्योंकि सब आज कर लूंगा, तो जो मैंगो शेक मिलता है ना अंदर, वो एक स्कूप आइसक्रीम डाल के, मां कसम छोले भटूरे उबली छल्ली हाय, चलो मौसम में, और कल हमारा शो है 10 तारीख को, एंड वी इसके रिहर्सल्स ऑलरेडी हो चुके हैं और इंपोर्टेड रिहर्सल्स हो चुके हैं, हमने ये शो कहाँ किया था, काफ़ी लंदन में किया है, ऑस्ट्रेलिया में किया है, हांगकॉन्ग में किया है, तो इसके रिहर्सल्स टटके हो चुके हैं, एंड वी ऑल रेडी टू गो, आज भी टेक्निकल रिहर्सल्स हैं, वी आर गोइंग टू गो ब्रश अप ऑन व्हाट वी हैव डन,
And I think जिस हिसाब से गुप्ता जी बोल रहे थे कि टिकट बिके हैं, I think it's going to be like a packed house and we're going to have a great time. सलमान भाई, दिसंबर का महीना बहुत खास होता है आपके लिए. जी सर. आपका बर्थडे आता है, आपकी मम्मी का बर्थडे आता है. जी सर. और लिवर और किडनी के लिए भी सर. तो सलमान भाई, ये बताएं कि ईद तो आपकी थी, क्रिसमस की आपकी हो गई, आपकी फिल्म आ रही है. जी सर. कल माँ का बर्थडे था आपका, तो माँ ने क्या दुआएं दी आपके लिए, क्या बातें हुई सर? माइंड में क्या चल रहा है माँ? सर माइंड में क्या चल रहा है, ये जो फिल्म आ रही है टाइगर जिंदा है, 300 करोड़, 500 करोड़, क्या माइंड में चल रहा है? क्योंकि लोगों ने भी काफी पसंद किया है आपका. एक सवाल का पहले जवाब दे दूं, ओके, कि माँ ने घर से दुआएं देना शुरू की जब मैं उनसे मिलने गया ऊपर, तो वहाँ से दुआएं देना शुरू कर दिया उन्होंने और यहाँ तक कि आ गई दुआएं देते देते. तो हमारी माँ हमारे साथ ही हैं. और सर कोई फिगर इस वक्त नहीं आ रहा माइंड में. 27 को रिलीज हो जाएगी, फिर हमारे फैंस ही डिसाइड करेंगे और वो फिल्म डिसाइड करेगी कि कितने फिगर होने चाहिए इस फिल्म के, टाइगर जिंदा है के. You know, the kind of people that we, the staff that we worked with and the team that we worked with, they've been really nice. And it's been a lot of fun. It's been a lot of fun on stage. It's been a lot of fun off stage. It's like a family that's traveling together. One new member has been added, Kriti. And you will see the connect on stage tomorrow, that everyone gets along and everyone has a great time. And everyone wants to ensure that, you know, the fans who come and spend so much money in wanting to watch their stars perform have a great time. दिल्ली के छोरे हो क्या? सवाल है. जी. तो क्या था वो? आप ही कह दो. इनका नहीं, हाँ मेरा था वो. थप्पड़ से डर नहीं लगता साथ, प्यार से लगता है. तो आजकल तो दोनों ही से लगता है मैडम, और बहुत ज्यादा लगता है, प्यार से ज्यादा लगता है. अब ये मत पूछो कि क्यों लगता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि क्यों लगता है, लेकिन लगता जरूर है. दबंग 3 समटाइम इन मार्च एंड Prabhu is directing the film. There's Sonakshi, me in the film once again, with the best character of the film, Makhan Chand Pandey. Unke bina wo film ban nahi sakti. Na wo produce ho sakti hai, na Chulul Pandey, Makhan Chand Pandey ke bina screen par aa sakte hain. So it's going to be, I think it's going to be bigger than the first and the second, because that character is there, and then we want behind and back and forth, and it's going to look really amazing, because Prabhu has just narrated this book to me about a week ago, and it has everything. It's funny as hell, it's got all heroism, and then it's got drama and it's emotion and romance and everything. Paid work entertainment is for me. But I think dates, organizing the dates of everyone is a huge challenge, that everyone is really, really busy. So to get everyone to come on a particular date and take, you know, 1 week out, 2 weeks out, like 2 days out, is a huge, huge task. I think that perhaps is the only challenge that we face. And then also, no matter how popular, no matter how successful you are, and no matter how appreciated the tour is, the bank tour, and how amazing it is, still a fear of making sure that, you know, the auditorium is full. The stadium is jam packed, and the fans have a great time. Jab VK sir, you know, ki tabiyat kharab hui and passed away, and it's a great loss to the film industry, it's to his family, to all of us. And now Shashi uncle also just passed away, which is really, really sad. Aisa kabhi lagta hi nahi tha ki jo hamare hero hain jitne, you know, who we of all hero worship, could ever leave us alone. बट अभी भी ऐसा लगता है जब उनकी पिक्चरें देखते हैं, जब उनकी तस्वीरें देखते हैं, कि दे स्टिल देयर बिटवीन अस एंड आई बिलीव दैट दे आर इमॉर्टल. तो आई स्टिल कांट बैटन द फैक्ट दैट
VK sir is gone. I think somewhere he's right here amongst all of us. नहीं मिले तो चेहरे पे आ जाता. So I think that's been there. But my first ever memory of performing on stage probably would be I was very very small and my mom's a lecturer and she teaches in Delhi University. So उनके कॉलेज का कॉलेज फेस्ट था और मैं उनके साथ गई थी. मैं करीब शायद 6 साल की 5 साल की होंगी. एंड जब दो परफॉर्मेंस के बीच में समझ नहीं आता क्या करें तो फिलर्स के लिए लोगों को बुलाना शुरू हो जाते. एंड आई यूज टू रियली डांस अ लॉट ऑन अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ जुड़ाओ. सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म ऑन स्टेज एंड प्रॉबली माई मॉम वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज. एंड आफ्टर दैट माई आई रिमेंबर माई नाना जी गेव मी अ 500 रुपी नोट. यस यस. I don't think so. I don't think so. But yeah, that's one memory that I have. मुंबई में बैठ कर सर स्काइप वगैरह पे कर लेते बट ये ज़रूरी था कि यहाँ पर आए और स्टेडियम में जाए और जितने फैंस जो कि इम्पेशेंटली इस शो का और 10 तारीख का वेट कर रहे हैं उनके सामने जाके परफॉर्म करें और जितना हो सके उससे बेटर कर सकें हम सब. सोनाक्षी मैम प्रकाश आप सरीके कर रहे हो. वाह You people are wonderful. क्या बात है? Especially I thank you to विनम्र गुप्ता who brought you back to the people are wonderful. People are remembering you and waiting for last 3 years. थैंक यू सर. अगर हमें ये पता होता तो 3 साल पहले ही परफॉर्म कर लेते. It was just not me who performed in front of foreign audience. हम सभी ने परफॉर्म किया था वहाँ पे और हमको बहुत सारा प्यार मिला है और हम दिल्ली में हैं तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमको डबल प्यार मिलेगा यहाँ पे और उतनी ही जितनी एक्साइटमेंट आपको है शो देखने की उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें है परफॉर्म करने की. तो क्या होता है कि फिल्म के ऊपर बाद में पता चलता है कि फिल्म पिट गई. स्टेज के ऊपर वहीं पे पिट जाते हैं. बस अच्छा तो जब फिल्म हिट होती है तो बहुत बाद में पता चलता है कि चल गई. लेकिन जब शो हिट हो जाता है तो वहीं पे पता चल जाता है कि सक्सेसफुल है. तो एक इंस्टेंट होता है और एक नॉट सो इंस्टेंट होता है. वो कोशिश कर रहे थे लेकिन वो टाइगर जिंदा है कि अब प्रमोशन मुंबई में कर रहे हैं. बट शी इज प्रमोटिंग उनका आज का दिन कुछ प्रमोट कर रही थी वहाँ पर. सलमान आप किसके साथ कौन कौन से गाने पे परफॉर्म कर रहे हैं हमें ये भी बता दीजिए. मैं सबके साथ बहुत बहुत सारे गानों पे दिल्ली की लड़की और आप. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मीडिया प्लीज. आप तो प्रेस के मेंबर तो है नहीं. आप गुप्ता जी की बड़ी फैन है ना. जो हमारा पूरा टीम है मैं शॉक एलिमेंट. जब आप और हम अकेले मिलकर बैठेंगे उस वक्त इस सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा सर. Can I please have the last question to her related? Eat well and lose weight as well. I don't believe in starving myself or you know try anything extreme. But yeah, just a general change in my lifestyle brought along a lot of difference in the way I look. So thanks for noticing. एक लड्डू बड़ा पसंद. मुझे काजू कतली बहुत पसंद है. जी सर इनकी उम्र घटती जाएगी. नो मोर क्वेश्चंस. अरे जगह कुछ